चलो तो अब मैं अपना लेसन शुरू करता हूं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, मैं इसमें इंट्रोडक्शन दूंगा जैसे कि मैंने बोला पहले भी, गिटार का। तो हमें गिटार के सबसे पहले क्या इसके बारे में जानना है, क्या चीज है। तो गिटार आपको मालूम है, अब आपने इसे ट्यून कर लिया। ट्यून से क्या होता है, सुर में आ जाता है। जैसे कि होता ना कुछ भी गाते हैं नहीं हुआ, लेकिन ये भी एक सुर बन गया, चाहे बेस हो सुर बन गया। तो ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग की हुई है मैंने इस समय ई से। ई इस स्ट्रिंग का नाम है ई। एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, तो मैं इस लेसन में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि आप आगे जाओ। तो इजी है, आजकल हमारे टाइम पे यार होता नहीं था, जब मैं सीखता था तो बहुत मुश्किल होता था, ऐसे कोई ऐप तो मोबाइल ही नहीं होता था और ट्यूनर भी नहीं आते थे। आजकल आते हैं एलईडी वाले ट्यूनर वगैरह आते हैं, तो वो भी खरीद सकते हो आप। ये तो सबसे बेस्ट और चीप वे है कि आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप और फिर उसके बाद ई और स्टैंडर्ड ट्यूनिंग से चेक कर सकते हो। स्ट्रिंग्स के नाम बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले अपने गिटार के बारे में जानो। जैसे हम ड्राइविंग करने से पहले अब मुझसे कहते हैं सर आप सिखाना शुरू करो, मुझे क्या लेना देना, इसे हेड बोलते हैं ट्यूनिंग किस बोलते हैं। यार जब तक आप कोई गाड़ी चलाने से पहले क्या बताएगा, ये स्टीयरिंग है, इससे क्या होता है हैंडल मुड़ता है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, ये क्लच है, उससे क्या होता है ये गियर है। तो जब मैं बोलूंगा कि गियर पे हाथ रखो तो ऑब्वियसली बात है आप स्टीयरिंग नहीं पकड़ोगे, आपको मालूम है गियर ये है। तो इससे 1 2 3 तो वही है, हमें इसके बारे में जानना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका है अपने गिटार को समझो। तो इसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा मैं, ताकि मैं बताऊं कि फर्स्ट फ्रेट पे हाथ रखो तो आप फिंगर्स रख दो। तो फर्स्ट लेसन है आप आज में, मतलब आपको कुछ नहीं पता है आज के वीडियो के बाद ना। जैसे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं तो नया हूं, मुझे गिटार के बारे में कुछ नहीं मालूम। लेकिन क्या है कि जब आप ये एक लेसन मेरा फर्स्ट क्लास आज आप देखने के बाद उठोगे, भले ये कितने भी 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कितने भी मिनट की हो, आधा घंटा 1 घंटा, तो आप लाइफ में ये वीडियो देखने के बाद आप आई एम श्योर कभी ये नहीं कह पाओगे कि मुझे गिटार के बारे में कुछ नहीं पता। तो ये मेन है। तो ऐसे ही आते हैं, कहते हैं कि सर महीने में आप कितनी क्लास देते हो कितने नहीं, एक भी क्लास लो इफेक्टिव है। यानी कि आप लाइफ टाइम आप ये नहीं कहोगे कि कभी गिटार नहीं सीखा, अगर दिल से सीखोगे याद रखोगे उसे। तो आज की जो क्लास है ज्यादा बात मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि, क्योंकि आप श्योर यार हर किसी बंदे के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं हम सीखने से पहले। मैं दूसरे भी ट्यूटोरियल देखता हूं जैसे कि, तो बैठ जाते हैं आज फर्स्ट क्लास सिखाते हैं हम, तो थोड़ा बहुत मेरा सिखाने का तरीका इसीलिए अलग है क्योंकि जब आप मेरे पास आते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है अभी आप मेरे सामने बैठे हो, जो भी मुझे देख रहा है मुझे ऐसा लगता है मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट हो आप और आप सीख रहे हो, स्टूडेंट हो दोस्त हो जो भी कहो। तो एज अ दोस्त मैं आपको सिखाता हूँ कि हाँ आपकी हेल्प कर दूं, आप सीखना चाहते हो क्योंकि डेडिकेशन है लगन है तभी आप मेरे इस वीडियो तक पहुंचे हो। तो बाकी आपकी मर्जी यार, जो जितने ये सोच रहे हो, जो जितने लाइक करता है शेयर करता है वो सब्सक्राइब करता है, मैंने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा आई एम श्योर, जो लाइक करता है शेयर करता है ज्यादा वो सबसे ज्यादा फीस दे रहा है। इसमें मैं कोई अपना ये नहीं है कि ग्रीडी हो रहा हूं या कुछ नहीं है, मैं चाहता हूं हर एक बंदे जिसको मेरी जरूरत है या नहीं भी, उसने नेट पैक भी नहीं डला हुआ लेकिन अपने व्हाट्सएप या मोबाइल में किसी ने वीडियो दिखाई दे यार इसका देख ये जादू तेरी नजरिया ये वाला लेसन देख फर्स्ट है तू सीख सकता है, बस एक गिटार खरीद ले, कहीं से सेकंड हैंड भी खरीद ले चाहे लेकिन सर कर ले। तो वो कहे यार चल ठीक है मैं 150 रुपए का नेट पैक रिचार्ज करा के मैं देखना शुरू करता हूँ, चल धीरे धीरे अच्छे से कहीं ना कहीं से नेट पे जाके इंटरनेट कैफे सीखना शुरू करता हूँ, क्योंकि यार उतना तो हर कोई ऑब्वियसली अगर डेडिकेशन है चाहता है वो सीखना तो उतना तो करना ही पड़ेगा अपनी तरफ से। तो क्योंकि नॉर्मली यार हर गली में तुम्हें पता है गिटारिस्ट मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि कोई अच्छा बजाने वाला अच्छा सिखा सके। तो बहुत ही कुछ भी कर रहा है और कुछ भी प्ले कर रहा है फैंसी चीजें इलेक्ट्रिक गिटार प्ले कर रहा है ना, कुछ भी प्ले कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो उसकी टीचिंग अच्छी हो या सिखाने का स्टाइल अच्छा हो। क्यों? क्योंकि आपने भी स्कूल में गए होंगे, हर
टीचर आपका फेवरेट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सब टीचर्स को आता है, अपने अपने टाइम में पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ होता है ना टीचर, अरे यार क्या मत समझाता यार, 5 मिनट की क्लास में जो मुझे सीखना था मुझे समझ में आ गया, यार सर ने इतने अच्छे से समझाया कि मुझे समझ में आ गया। तो वो ही है, जरूरी नहीं अच्छा प्ले करने वाला अच्छा सिखा सके। हर गली में गिटारिस्ट मिल रहा है, कम दाम में सिखा रहा है, ज्यादा में सिखा रहा है, कैसे भी सिखा रहा है, सिखा रहा है बट। तो वो ही है, तो जो मेरे पास तक आया है तो, या जो भी ट्यूटोरियल डालता है कम मिनट के डालता है, एक ने कहा कि सर आप 20 मिनट 15 मिनट का वीडियो डालते हो, तो ट्राई करो कि 15 मिनट की वीडियो की जगह 10-20 गाने डाल दो। तो ये बताओ यार गाने, आप वही वाली बात है जैसे मैं बताता हूँ, आप अपनी तरफ से ऐसे कभी मेहनत नहीं करोगे जो भी ये वीडियो देख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि बेसिक आपका पक्का हो जाए ताकि बाद में आप खुद प्ले कर सको, और खुद प्ले करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि मैं यहाँ से बताऊंगा, थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ मैं, लेकिन ये नहीं है, वो आगे की क्लास में आपको बताऊंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ट्यून कर, अब आपका ट्यून हो गया, तो मैं आप इसके पार्ट्स के बारे में बताता हूँ, गिटार के पार्ट्स के बारे में। ये होता है हेड, हम शुरू से ऊपर से करेंगे, हेड स्टॉक कहते हैं, हेड ले सकते हो आप, ठीक है, नॉर्मल बताऊंगा, ज्यादा मैं डिटेलिंग में नहीं घुसूंगा। हेड, ट्यूनिंग कीज, क्योंकि हम ट्यून करते हैं इससे, तो ट्यूनिंग कीज, इसे कहते हैं नट, ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्लास्टिक का भी होता है, स्टील का भी होता है किसी किसी का, तो जहां से शुरू हो रहा है इसे कहते हैं नट, NUT नट, और इसे कहते हैं फ्रेट, फर्स्ट फ्रेट हो गया, सेकंड फ्रेट और थर्ड फ्रेट हो, तो 24 का होता है, 22 का होता है, ठीक है, 19 का होता है, वो गिटार अलग अलग तरीके से होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, वैसे कंप्लीट होता है 24 फ्रेट्स का गिटार होता है, तो फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, तो फ्रेट कहते से, इसे कहते हैं नेक, नेक, इसे कहते हैं फ्रेट बोर्ड, फिंगर बोर्ड, पूरे यहां से यहां तक, इसे कहते हैं साउंड होल, इसमें आवाज आती है, तो साउंड होल इसको, इसे कहते हैं ब्रिज, इसे कहते हैं बॉडी, इसे जिसके होता पिक गार्ड बोल सकते हो, तो मेन मेन बता रहा हूं मैं आपको, और स्ट्रैप पिन, एंड पिन जिसका होता है ये, ठीक है, स्ट्रैप पिन कह सकते हो, बेल्ट डलता है इसमें, एंड पिन भी कह सकते हो, खत्म हो जाता है, और नेक बता दिया मैंने, फ्रेट पर फिंगर, ये जो आप डॉट्स देखते हो ये पोजिशन मार्कर है, ये 3-5 ये हमें याद होने के लिए कि कहाँ से रखते हैं, तो 3-5-7-9-12 ये तो होती है, 12 होता है यहाँ पे फ्रेट, तो पता चलता है इससे, तो ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, आपको इसके बारे में बताऊंगे, हेड, ट्यूनिंग कीज, नट, नेक, फ्रेटबोर्ड, फिंगरबोर्ड, कुछ भी कह सकते हो उसे, स्ट्रिंग्स, इसे स्ट्रिंग्स, बहुत से कहते हैं सर मेरा वायर टूट गया, यार कोई बिजली का काम थोड़ी हो रहा है, वायर टूट गया, स्ट्रिंग्स है, पहले पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग्स कहते हैं इसे, तो ब्रिज, ब्रिज पिंस कहते हो, किसी किसी में नहीं होती, कोई नहीं, तो ब्रिज पिंस बॉडी। अब स्ट्रिंग्स के नाम, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी होता है स्ट्रिंग्स के नाम, फर्स्ट ये लेसन अपनी फर्स्ट क्लास कभी लाइफ में मत भूलना, फर्स्ट क्लास भूल जाओगे आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, फिर सेकंड क्लास मत भूलना, थर्ड क्लास मत भूलना, ये आपका बेस शुरू हो रहा है, अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड या नर्सरी में नहीं गए होते ना तो आप आज ABCD या का खा गा या कुछ भी बोल ही नहीं पा रहे होते या सेंटेंस नहीं बना सकते। तो वैसे ही है कि अपना बेस कभी मत भूलो और अपनी फर्स्ट लेसन कभी मत भूलो। स्ट्रिंग्स के नाम बता देता हूँ, E A D G P E, जैसा कि आप देखते हो कि 6 स्ट्रिंग्स होती है हर गिटार में, तो अब तो 12 स्ट्रिंग्स 7 स्ट्रिंग्स तो, लेकिन मेन 6 स्ट्रिंग्स गिटार होते हैं, तो 6 स्ट्रिंग होती है, ऊपर की 3 स्ट्रिंग्स को कहते हैं बेस स्ट्रिंग्स, BASS बेस स्ट्रिंग्स, क्योंकि क्योंकि मोटी आवाज आती है, तो बेस स्ट्रिंग्स, नीचे की 16 स्ट्रिंग्स, पतला पतला साउंड आता है इसको, 16 स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो दोबारा बता देता हूं, E A D G B E, अब आपने देखा 2 E है, ये तो आपको याद ही हो गया, बस A D G B E A D G B, और ऐसे याद करना है आपको, और ऊपर की E को लो E कहते हैं, लो आवाज कैसे होती है, लो साउंड करते हैं, और ये हाई, तो इसे हाई ई लो ई। अब आपको मालूम चल गया आज क्या क्या, इसका पता चल गया, स्ट्रिंग्स नेम पता चल गए,
लो ई हाई ई ए डी जी बी फर्स्ट क्लास में। और अब एक्सरसाइज बताता हूं मैं आपको, जो फर्स्ट क्लास में मैं बताता हूं हर स्टूडेंट को। अब इसको क्या कहते हैं, प्लेक्ट्रम। तो थोड़ा ये टाइट वाला मत लेना शुरू में, थोड़ा फ्लमजी सा हो ये, थोड़ा बैंड हो जाए ऐसा वाला लेना। और इसके पकड़ने का तरीका है इसको ऐसे पॉइंट करना, ये पॉइंट कर लिया, देख सकते हो पॉइंट कर दिया, किसी भी पॉइंट पे इसको रखो, दिखा देता हूं मैं, ऐसे कर लेता हूं ये पॉइंट जो है मेरा, ऐसे करने के बाद इसको करेक्ट पोजीशन है, उसे ऐसे प्ले करते ना, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे प्ले करते ना, ऐसे नहीं रखना है, तो मेन है ये ऐसे करो, बैंड सबसे सिंपल ऐसे बैंड करो, ये जो पॉइंट निकल रहा है कोई भी पॉइंट को ऐसे कर दो, ऐसे करके थोड़ा सा हल्का सा इससे सपोर्ट ले लो, ये देखो मेन ये बैंड किया, इसको प्लेक्ट्रम कहते हैं, पिक भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वैसे प्लेक्ट्रम है इसका पूरा नाम, ऐसे रख लिया मैंने। तो अब बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी, आप ओपन स्ट्रिंग करोगे, इसमें लेफ्ट हैंड का कोई काम नहीं है, इसे ऐसे रख सकते हैं, मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, डाउन स्ट्रोक कर रहा हूं, तो इसमें मैं याद भी कर सकता हूं क्या स्ट्रिंग्स के नाम, आप नोटबुक पे लिख लो ए डी जी बी ई, नीचे से ऊपर ई बी जी डी ए ई, तो ओपन, इसे कहते हैं ओपन स्ट्रिंग्स प्रैक्टिस। स्लो स्लो प्ले करो और देख के, कुछ भी चीज सीखने ना तो सबसे पहले स्लो प्ले करना सीखो, भागना नहीं है ना ही स्लाइड करना, ऐसे ऐसे नहीं करना है, होल्ड कर करके रुक रुक के, ऐसे आपको नाम भी याद हो जाएंगे स्ट्रिंग्स के और प्ले भी जाए, ई ए डी जी बी, ये पहली प्रैक्टिस आपको। अब मेन क्या आता है, लेफ्ट हैंड, हमारा हैंड पोजीशन आती है मेन, जो हम देख के ही बता सकते हैं कि ये बंदा गिटारिस्ट है या नहीं है, इसे प्ले करना आता है या नहीं आता है, क्योंकि फिल्मों में देखते हो ना आप, हीरो लगा रहता है, पुरानी फिल्मों में लगे रहते हैं टिंग 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 करके, पकड़ने नहीं आता उसे। मेन होता है सबसे पहले अपने गिटार के साथ एक कनेक्शन बनाओ, एक ट्यूनिंग बनाओ, इसके साथ कंफर्टेबल हो, एक रिलेशन बनाओ। तो क्या होगा, सबसे पहले कंफर्ट, जितना आप कंफर्टेबल होंगे अपने गिटार के साथ उतना ही बेस्ट होगा। सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीका है कि कोई भी चेयर हो, ट्राई करना कि उसमें हैंड रेस्ट ना हो, ये हैंड रेस्ट ना हो, या कोई चेयर हो मोटा हो, जो भी हो जैसे बेड पे बैठ के आधी पालती मार के करेक्ट पोजिशन नहीं होती, क्योंकि उसमें हैंड पोजिशन नहीं आ पाता। अगर बेड पे भी बैठते हो तो आप ट्राई कर दो कि आपके लेग्स नीचे फॉल हो रहे हो, ठीक है, तो ऐसे ये वाली पोजीशन हो जैसे मैं अभी बैठा हूं, बेस्ट पोजीशन चेयर पे ही बैठ के प्रैक्टिस किया करो। तो हैंड पोजीशन इसके साथ, चाहे आप कैसे भी बैठे हो, जैसे मैं अपनी एल्बो को रेस्ट दे रहा हूं, चाहे मैं ऐसे बैठता हूं, ठीक है, चाहे मैं ऐसे प्ले करता हूं, तो मेन है मेरा ये जो पाल्म है, हथेली मेरी नेक को ऐसे नहीं करेगी, ये गलत पोजीशन है, मेरा ये रहता है मेन। तो हैंड पोजीशन आप देख सकते हो, तो कुछ भी रख रहा हूं मैं तो हैंड पोजीशन, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली, वो इसमें जरूरत नहीं था, लेकिन अब मैं सेकंड एक्सरसाइज जो बता रहा हूं फिंगर प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें हैंड पोजीशन मेन है, तो मेरा ऐसे। दूसरे भी लेसन देखना यार, मैं बीच बीच में बताता रहता हूं, जैसे कि मैं हर लेसन में, मेरे जरूरी नहीं कि आप, अगर वो गाना सीखना भी नहीं है आपको, लेकिन ट्राई करो हर वीडियोस देखो, क्योंकि यार मेरा एक जो फ्लो चलता रहता है ना बात का और सिखाने का, हर वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाता रहूंगा मैं, बताता रहता हूँ जो भी दिमाग में अचानक याद आता है, तो वो ही सिखा देता हूँ कि हाँ ये भी जरूरी आपके लिए। जैसे कि अब इससे पहले वाले में क्या है, अब मैं ये जीरो या फर्स्ट क्लास में क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि आपका राइट हैंड का ना पता चले कि इन दोनों के बीच में कितना स्पेस है, हर स्ट्रिंग के बीच में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ये प्रैक्टिस आपको मिनिमम 15 मिनट करनी है, कम से कम 15 मिनट बिल्कुल फोकस करके, फिर उसके बाद अगले 15 मिनट के लिए सेकंड प्रैक्टिस करनी है ये, और फिंगर कभी भी ऐसे नहीं रखनी, पॉइंट करके रखनी है ऐसे करके, और ये कैसा आएगी,
जब अपना दूसरे वीडियोस भी देखने या जो भी देखना आपको कि लेफ्ट हैंड या हैंड पोजीशन क्या रखनी है गिटार के लिए, आप सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। मेरे से जितना मेन है मैंने दिखा दिया आपको, ऐसे ग्रिप हैंड, बस मैंने बताया ये चीज टच नहीं होगी, ये गलत पोजीशन है, या ये चीज ऐसे टच नहीं होगा, ये ऐसे। जितना रिस्ट बैंड होना, मतलब आपका रिस्ट बैंड जितना होगा उतना सही है। तो अब सेकेंड एक्सरसाइज है ऐसे, तो इसमें मैं ये फर्स्ट फिंगर कहते हैं इसको, इंडेक्स फिंगर को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, थंब पीछे रहता है, तो 1 2 3 4 फिंगर। तो अब मैं फर्स्ट फिंगर की एक्सरसाइज कर रहा हूं ई स्ट्रिंग पे, और फिर फ्रेट कौन सा, फिफ्थ। बहुत से यहाँ पे प्ले करते हैं वही जैसे की होता है कि ऐसे सिखाते हैं। इससे क्या है, आपका जो शोल्डर है ये ज्यादा ले रहा है, तो इससे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है बंदे को, सीखने वाले को। तो इसीलिए मैं शुरू में 1 2 3 4 5 इससे थोड़ा सा ना इजी हो जाता है, हमें हैंड मूवमेंट अच्छा हो जाता है। तो अब मैं बताता हूं आपको, तो फर्स्ट फिंगर से मैं पॉइंट करके रख रहा हूं, ऐसे नहीं रख रहा, नीचे हर स्ट्रिंग पर प्ले होगा, बोरिंग होता है, फर्स्ट टू क्लासेस बोरिंग होती है ऑब्वियसली। ये सिर्फ मैं ये बता रहा हूं आपको, आपकी फर्स्ट क्लास है आज, आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चलाना आना चाहिए, तो थोड़ा बोरिंग लगेगा बट करना है आपको प्रैक्टिस। तो 15 मिनट्स ये करना है आपको फिफ्थ फ्रेट से। और ये बता दो, जिसका ऐसा साउंड आएगा, साउंड कट रहा है तो समझ लेना एक ही दिक्कत है, प्रेस नहीं हो रही है, ये प्रेस होगी या फिर इसके बीच में, ऐसे नहीं रखना है जो फ्रेट है, इसका जो मेटल है इसके ऐसा है। तो ट्राई करना इन दोनों के बीच में रखो और पॉइंट करके रखो, ये वाली चीज से मैं पॉइंट करता हूँ, यहाँ नहीं ये पॉइंट करके रखता हूँ। थोड़ा सा हर्ट होगा 3-4 दिन, 1 हफ्ते आपका पेन भी रहेगा, फिंगर्स पेन रहेगा, लेकिन उसके बाद आप ओवरकम हो जाओगे इससे, तो टेंशन मत लो, फिर आपको नॉर्मल लगने लगेगा। तो फर्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज ये, फिर नीचे सब ऊपर जाना है, स्लो स्लो करना है, गलती होती रहेगी। फिर सेकंड फिंगर से किसी भी फ्रेट पर रख सकते हो, सेकंड फिंगर जैसे मैं 6th फ्रेट पर रख रहा, सेकंड फिंगर से सेम चीज करनी है, स्लो स्लो। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे थर्ड फिंगर से स्लो स्लो, मैं थोड़ा फास्ट करूं टाइम सेव करने के लिए। और फोर्थ फिंगर अगर चलाना है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी सिर्फ ये तीनों फिंगर्स का प्रैक्टिस कर लो, अगर इनसे भी आपसे अच्छा नहीं हो रहा है, अगर इनसे अच्छा हो जाता है तो फिर फोर्थ फिंगर भी ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करना जरूर। पर ये चिपका के नहीं रखना, ऐसे ऐसे नहीं करना, हैंड पोजिशन पे ध्यान देना, अपना रिस्ट बैंड रहेगा, मुझे देखा करो बिल्कुल एक एक चीज पे, अगर अच्छा सीखना है और जल्दी सीखना है तो, ताकि आप कॉमन मिस्टेक ना करो जो हर गिटारिस्ट करता है। तो ये हो गई हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अब थर्ड एक्सरसाइज आप करोगे, एक ही स्ट्रिंग पे मैं 5 6 7 8 चार फिंगर्स की एक्सरसाइज कर रहा हूं, स्लो स्लो, फिर वापस जाना है स्लो स्लो। और इसका भूल मत जाना, कभी बीच में ऐसे पकड़ने लगो हैबिट मत डालना, सिर्फ फिर दोबारा ऐसे पकड़ना, ट्राई किया करो। स्लो स्लो प्रैक्टिस करना, थर्ड प्रैक्टिस हो गई, ये तीनों प्रैक्टिस आप कर आना। और हाँ, अगर मेरा सेकंड लेसन आ जाए जल्दी, देखना आ जाए, तो अगर आपका प्रैक्टिस अधूरा है, प्रैक्टिस किया नहीं है, लेसन देख लेना माइंड में कि आगे क्या सीखने वाला हूं मैं, बट लेकिन इस वाले लेसन के लिए ना कम से कम आप 3 दिन लेना, 3 दिन आपको यही चीज प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने कभी गिटार प्ले नहीं किया है, नया नया खरीदा है, तो ये तीनों एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है। आगे आपने ये एक्सरसाइज प्ले कर ली, ये एक्सरसाइज क्या है, हाथ चलाना सिखा दो, इसके बाद आप गाना बजाना सीख जाओगे, कोई से भी गाना बजा सकते हो। ठीक है, कोई से भी गाना बजा सकते हो, प्ले कर सकते हो। तो ऐसे दिखा दिया, क्योंकि रिक्वेस्ट आती है यार, मैं पूरी नहीं कर पाता,
दिल तो करता है कि पूरी कर दूंगा, आज एक ने बोला हद कर दी, आपने कहा बजा दो यार, रियल में हद ही कर दी थी। हर किसी की इंडिविजुअल चॉइस आती है कि यार ये गाना वो गाना, पता नहीं शायद पुराने वीडियोस में मैंने ही बोल के गलती कर दी कि यार वो गाने बताए गए जो यूट्यूब पे होते नहीं है, सिखाए नहीं होते। तो यार अब एक बंदा प्ले करे तो अब एक का हो रहा है, उसने बोला था ये तो सच है कि भगवान है, उसका थोड़ा बहुत ट्राई भी किया, बट वही है कि इसका भी एक सीक्रेट बताता हूँ मैं, सीक्रेट क्या है इसमें, मेरे साथ भी होता है, जब मुझे गाना पसंद आता था ना तो मैं बोलता था यार मुझे ये गाना सीखना है उसके, अब ऑब्वियसली आपको पता है हाँ बोलो और मैं एकदम कैमरा ऑन किया वीडियो बना दूँ, पॉसिबल नहीं है ना, पर्सनल लाइफ भी है थोड़ी, थोड़ा काम भी करना पड़ता है, तो ताकि जीविका अपनी भी चलती रहे, आप लोगों का भी चलता रहे काम, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है, हर किसी को करना पड़ता है। तो वही है, तो इसका क्या है कि जैसे मैं भी किसी को रिक्वेस्ट करूं या कुछ भी, तो जो आज आप गाना पसंद करते हो ना, आपको भी मालूम है आप कितनी बार सुन लेते हो, फिर उसके एक महीने बाद सेम आपको गाना वो सुनाऊंगा ना, आपको बोरिंग लगता है, ऑब्वियस सी बात है आपके साथ होता होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, और कि बहुत बार मैं सोचता हूँ कि चल अब यार इसके लिए बनाता हूँ, ठीक है, कि ये वाला लेसन बनाता, फिर सोचता हूँ यार इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है यार ये होता ही होता है। फिर एक तो किसी एक बंदे के लिए गाना डालूं, कम से कम यार एक क्लास कम से कम 100 लोगों के लिए तो काम है, क्या नहीं तो फिर 10, 20, 25 उसके लिए, आप लोगों को पता यार टाइम लगता है हर किसी को, ऑब्वियसली आप देख रहे हो उतना पता नहीं होगा, बट कोशिश रहती है, मैं बता नहीं रहा हूँ आपको कि टाइम लगता है, थोड़ा मेहनत भी लगता है, निकालना पड़ता है, वो हर किसी की लाइफ में है, ठीक है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट का मेरा यही चक्कर रहता है, मैं कोशिश करता हूँ, पर अब मेरा मेन फोकस ये है कि जो शुरुआत से सीखना है उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि मुझसे सीखे, मैं बहुत ही इजी तरीके से, और बता रहा हूँ आगे जो थोड़े से सुपर बिगनर्स है, थोड़े से बिगनर्स है या आगे हैं, उनके लिए भी बीच बीच में मैं लेसन डालूंगा, मेन मेरा अभी ये है इस वाले पे है, और इंजॉय किया होगा यार लेसन मेरा, सभी देख रहा हो कोई भी हो तो करते हैं, ठीक है। तो ये वाला है, मैंने बता दिया आपको कि ये तीनों प्रैक्टिस आपको करनी है, तीनों दिन, 3 दिन कम से कम करनी है। और हाँ यार सब्सक्राइब करो यार मुझे, मेरे लिए तो यार यही फीस है आपकी, यही पैसा है, यही सब कुछ है, सब्सक्राइब करो और क्या कहते हैं लाइक करो। लाइक से पता है क्या यार क्या होता है, लाइक से ये है कि ये नहीं है कि आप मुझे लाइक करते हो या मुझे अच्छा लग रहा हो, मुझे पसंद किया, लाइक से सिंपल सा फंडा ये है कि मुझे ये लगता है कि ये जो लेसन बनाया ना मैंने थोड़ा बहुत इतना अच्छे तरीके से बनाया, या फिर थोड़ी कमियां हो गई यार, इतने लाइक्स नहीं है जितने मैं सोच रहा था, या फिर पता नहीं क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है व्यूज तो आ जाते हैं कि हाँ इतने लोगों ने देख लिया, लेकिन लाइक से क्या है, हाँ इतने लोगों को समझ में आया है, तो उसलिए है। तो और सब्सक्राइब करो, और मेरा फेसबुक पेज पे जरूर जरूर जरूर, मैं उस पर आपने देखा होगा काफी लोगों के मैसेजेस आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक का रिप्लाई दूं, हर एक बंदे का रिप्लाई दूं, मैं कोशिश करता हूँ, यार नाराज मत हुआ करो, थोड़ा टाइम लगता है निकालने में, मैं क्या कहते हैं कि बहुत से कहते हैं आप मैसेज करते हो, आपने कहा था कि जब आप हर मैसेज का रिप्लाई करते हो, यार मैं सुपरमैन नहीं हूँ, आप ही लोगों की तरह एक कॉमन मैन, ठीक है, जैसे आप हो ना, आप भी जिस स्टेज पे हो, आप देख रहे हो, लेसन सीख रहे हो, मैं भी ऐसे रहा हुआ हूँ, मैं भी ईगर होता हूँ सीखने के लिए कि कोई भी लेसन बनाए, मेरा भी दिल करता है कि यार कोई मेरा फेवरेट सॉन्ग सिखाए, तो मैं भी आप लोगों में से ही हूँ, कोई मैं वो अच्छा प्ले नहीं करता या कुछ अच्छा टीचर या एडवांस लेवल का या कुछ नहीं है, पैसे कमाने का जरिया नहीं है मेरा कि हाँ मैं आप लोगों के लिए वेबसाइट बना दूंगा, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दूं, प्रीव्यू बना दूं और फिर कहूं कि आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करो, क्योंकि मुझे पता है यार सारे देसी बंदे हैं, मैं देसी बंदा हूं, ठीक है, सभी आप सीखने वाले हो, गिटार से प्यार करते हो, मैं भी प्यार करता हूं, और सभी लोग जो भी वीडियोस डालते हैं सबको अप्रिशिएट करता हूं, सब अच्छा काम करते हैं यार, चाहे अच्छा प्ले करते ना हो, सिखा रहे हैं, एटलीस्ट मेहनत कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो उनके लिए है, उनका काम देख के और लगन देख के मुझे अच्छा लगता है, चाहे बेचारा कोई बेकार भी बता प्ले करता है ना और उसके इतने डिसलाइक हो जाते हैं या नीचे लिख देते हैं आप, तुझे बजाना नहीं आता, एटलीस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, ट्राई कर रहा है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, पर अगर आप अच्छा प्ले करना चाहते हो तो अच्छे से सीखो, खुद से सीखो, मुझसे सीखो, गाइडेंस लो और अच्छे से सीखो, ठीक है। चलो तो फिर अपना ध्यान रखो, अपनी कंट्री का ध्यान रखो, सेफ रहो, और सब लोग बहुत प्यारे हैं यार, प्यार बांटते रहो,
और प्ले करते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फेसबुक पेज पे लाइक जरूर करना और उस पर मैसेज करना कि हाँ, कुछ बंदे तो यार इतने प्यारे हैं कि बिना रिक्वेस्ट करे ना मुझे कनेक्ट रहते हैं, यानी कि बहुत से कहते हैं कि हेलो और फिर उसके बाद कहते हैं सर मेरी रिक्वेस्ट पूरी कर देना, या फिर रिक्वेस्ट पूरी नहीं है बुरा मान जाते हैं। हम मैं बुरा नहीं मानता, मेरा दिल करे तो मैं ऑब्वियसली बात है ना, अगर उस बंदे से मैं कहूँ ना कि आप ये कर दो या फिर आप रिक्वेस्ट प्ले करो, यार आप अपना गाना भेजो मुझे जो सीखा है अपना भेजो, फिर मैं कहूँ नहीं नहीं पसंद नहीं आया दोबारा स्लो से बना के भेजो या फिर और अच्छे से भेजो, करेगा वो अपलोड दूसरी बार? कोई नहीं करेगा यार, आप भी नहीं करोगे। तो वही है, तो आप जैसे डिमांड कर देते हो ना, मेरा दिल करता है कि मैं कर दूं पूरी, पर जैसे पता है मैं स्पाइडरमैन सुपरमैन नहीं हूँ, कॉमन मैन हूँ, आप ही की तरह हूँ, आपको भी दिक्कत है मुझे भी दिक्कत है, अम्बानी बिरला टाटा कोई पीछे नहीं बैठा हुआ है, ठीक है? तो दिल से सिखाता हूँ, दिल से सीखता हूँ, दिल से बताता हूँ, तो जो भी दिल में आता है कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि हाँ मुझे आप फैन फॉलोइंग बढ़ानी है कुछ भी, अगर आपके पल्ले बढ़ जाता है सिंपल सी बात है मेरा सिखाया हुआ तो मजा आ जाता है। और खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा पूरे देश को, सबको प्यार जहां से भी आता है मुझे, और खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो, ठीक है? चलो फिर खुश रहो और